हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स क्लासेस बाय इमरान खान। तो चलिए अब हम देखते हैं रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 14, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है। फोटो करंट रिकॉर्डेड इन द माइक्रोमीटर इन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वैनिशेस व्हेन द रिटार्डिंग पोटेंशियल इज मोर देन 0.8 वोल्ट इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज 4950 एमस्टॉर्म। तो बेसिकली यहाँ पर बोला क्या है कि व्हेन द पोटेंशियल इज 0.8 वोल्ट तो फोटो करंट पूरी तरीके से वैनिश हो जाता है। तो यानी बेसिकली हमें ये जो गिवन है पोटेंशियल, वो कौन सा पोटेंशियल है? रिटार्डिंग पोटेंशियल। रिटार्डिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी द नेगेटिव पोटेंशियल वेयर द करंट स्टॉप्स और बिकम्स जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमें उसकी वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है। सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट की वैल्यू दिया है 0.8 वोल्ट, और यहाँ पर बोला क्या है व्हेन द लाइट यूज्ड इज 4950 एमस्टॉर्म, यानी यहाँ पर हमें वेवलेंथ दिया है 4950 एमस्टॉर्म। ठीक है, तो आगे और गिवन कंडीशन में क्या बोला है, इफ़ द सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज चेंज। अब हम क्या करते हैं, इंसिडेंट रेडिएशन के सोर्स को चेंज कर देते हैं और तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। और अब स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका कितना हो गया है, वी नॉट, तो मैं इसे वी नॉट 1 ले लेता हूँ, वी नॉट 2 विच इज 1.2 वोल्ट। तो अब डेफिनेट सी बात है कि अगर उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा तो उसका वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा। तो लास्ट में हमें यहाँ पर पूछा क्या है, फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड मटेरियल एंड द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड सोर्स। तो हमें यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फाइन आउट निकालना है और वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड सोर्स मतलब लैम्डा 2 निकालना है। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, गिवन कंडीशन है कि हमें दिया है कि जब स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना था तो वेवलेंथ ऑफ लाइट हम इतनी यूज़ कर रहे थे, और जब स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है तो कितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी, और साथ ही साथ में उस मेटल का वर्क फंक्शन भी क्या होगा ये भी निकालना है। तो देखो, सिंस हमें यहाँ पर दो स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है और दो वेवलेंथ है, तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, राइट? अब इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या इक्वेशन का यूज़ करेंगे, तो हमें एक ऐसा इक्वेशन निकालना होगा जो रिलेट करे, किससे रिलेट करे, पोटेंशियल से और फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन से। तो यार हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइन आउट होता है, और हमें पता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम ई वी नॉट भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा इन कंडीशन में ये फॉर्मूला सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें दो इक्वेशन बनाना है, तो इसको पोटेंशियल 1 ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारे पास न्यू तो नहीं गिवन है, हमें तो लैम्डा दिया है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, ई वी नॉट 1 इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा 1 माइनस फाई नॉट। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया 1। उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा, एंड ई वी नॉट 2 इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा 2 माइनस फाई नॉट, क्योंकि देखो वर्क फंक्शन दोनों के केस में सेम रहने वाला है। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि वही मेटल सरफेस है, और हमें पता है मेटल सरफेस पे एग्जिस्ट होने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, अनटिल अनलेस अगर वो मेटल प्लेट चेंज नहीं हो जाती है। तो जब तक वही मेटल प्लेट रहेगी तब तक फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन भी सेम रहेगा। तो देखो, हमें सबसे पहले निकालना क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फाइन आउट। तो हम क्या करेंगे, हम इनमें से किसी भी इक्वेशन का यूज़ करके फाइन आउट की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमने सेकंड इक्वेशन का यूज़ किया तो हमें लैम्डा 2 की वैल्यू पता नहीं है, तो हम इसको नहीं यूज़ करेंगे। हम किसको यूज़ करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को, क्योंकि हमें चार्ज और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो पता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ भी पता है। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम सबसे पहले फाइन आउट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर फाइन आउट मिल जाएगा तो फिर हम लैम्डा 2 को कैलकुलेट कर सकते हैं इनकी वैल्यूज़ को पुट अप करके। सो देयरफॉर देखो, इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या है, ई वी नॉट 1 इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं एच सी बाई लैम्डा 1 माइनस फाइन आउट। सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेना है। तो वैल्यू पुटअप करने से पहले आप फॉर्मूले को रीअरेंज करो, और फाइन आउट को आप पहले इधर रखो, बाकी सारी वैल्यूज़ को उधर रखो। सो देयरफॉर मैं इसे लिखता हूँ एच सी बाई लैम्डा 1 माइनस फाइन आउट इज इक्वल टू ई वी नॉट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस फाइन आउट इज इक्वल टू ई वी नॉट 1, ठीक है, भूलना मत, ई वी नॉट 1, और ये वाला टर्म उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस एच सी अपॉन लैम्डा 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंस हमें माइनस साइन तो नहीं चाहिए, तो मैं माइनस साइन को जब उधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा 1, और ये क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस ई वी नॉट 1,
है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो जब साइन उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप क्या करो, अब आप इनकी वैल्यू को पुटअप करके आगे सॉल्व कर लो। सो देयरफॉर इसे हम क्या करेंगे, पहले हम इसे देखते हैं। एच की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 6.63 × 10⁻³⁴, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा 1 की वैल्यू हमें गिवन है, कितना है, 4950 एंगस्ट्रॉम, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 4950 × 10⁻¹० मीटर। तो आप यहाँ पर लिख लो 4950 × 10⁻¹० मीटर माइनस, और ई वी नॉट की वैल्यू को हम पहले ऐसे ही रखते हैं क्योंकि हम इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसकी वैल्यू को रख के उसके साथ माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आप 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो हो जाएगा 19.89। और देखो ध्यान से आप क्या करेंगे, हम 10⁻¹० है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +10, राइट। तो 10⁻¹० और +8 कर देंगे तो 10⁻¹८ हो जाएगा, और 10⁻¹८ में से अगर हम 34 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर मिलेगा, देखो 10⁻¹⁶, और ये डिवाइड कर में रखोगे तो 4950। अब आपको करना क्या है, माइनस, माइनस के बाद अब आप इसकी वैल्यू पुटअप कर दो। तो ई की वैल्यू हमें पता है 1.6 × 10⁻¹⁹ होता है, और वी नॉट 1 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 0.8 गिवन है। अब हम इसे आगे और सॉल्व करते हैं। देयरफॉर देखो अब आपको क्या करना होगा कि इसको बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग इसे सॉल्व कर लेना है। तो जब आप इसे लॉग एंटी लॉग के हेल्प से सॉल्व करोगे तो इसका देखो कितना आंसर आएगा, 0.00402, ठीक है। आप इसे डिवाइड कर लेना, मैंने तो बाय कैलकुलेटर इसे डिवाइड किया है, बट आप चाहे तो इसे लॉग एंटी लॉग से ही करना क्योंकि आपको अल्टीमेटली लॉग एंटी लॉग ही एग्जाम में मिलेगा। तो आप जब इसे लॉग एंटी लॉग से इसे सॉल्व करोगे तो आपको समवॉट ये आंसर आपको मिल जाएगा, इनटू पावर क्या है, 10⁻¹⁶। और अब आपको करना क्या है कि इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो इसे तो आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 8 × 6 = 48 हो जाएगा, और 8 × 1 = 8, और 8 × 4 कितना हो जाएगा, 12, राइट। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1.28 × 10⁻¹⁹। अब आप देखो इसे क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो पावर क्या है, -19, तो अगर आप इन दोनों वैल्यू को माइनस करना चाहते हो तो आपको इसकी वैल्यू भी पावर -19 मिलाना होगा। तो मैं इसे लिख लेता हूँ 4.02, मैंने क्या किया, 3 डिजिट इधर शिफ्ट किया, तो ये पावर कितना हो जाएगा, 10⁻¹⁹ -1.28 × 10⁻¹⁹। अब आपको क्या करना है, ये हो जाएगा 4.02, राइट, -1.28 × 10⁻¹⁹, पावर कॉमन बाहर आ गया, ठीक है। तो याद रखना कि जब तक आप पावर को कॉमन नहीं बना लेते हो तब तक आप इसको एक दूसरे से माइनस नहीं कर सकते हो। अब आपको सिंपली करना क्या है कि इसको इससे माइनस कर लेना है। तो इसको जब आप इससे माइनस करोगे तो देखो क्या मिलेगा, समथिंग 12 में से 8 = 4, 9 में से 2 = 7, और 3 में से 1 यानी 2.74 × 10⁻¹⁹ जूल, ठीक है। ये हमें यहाँ पर क्या मिल गया, देखो ये हमें फाइन आउट की वैल्यू मिल गई। अब ये जो फाइन आउट की वैल्यू मिली है वो इन टर्म्स ऑफ जूल मिली है। अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा, 2.74 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻¹⁹। तो 10⁻¹⁹ 10⁻¹⁹ कैंसिल, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 27.4, अगर मैं एक पॉइंट को शिफ्ट कर देता हूँ, अपॉन 16। बस अब आपको करना क्या है कि 16 से इस वैल्यू को डिवाइड कर लेना है। तो नॉर्मल जो आप डिवीज़न करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 27.4 डिवाइडेड बाय 16, तो 16 से आप डिवाइड कर लोगे तो 16 × 1 = 16, और बैलेंस कितना आएगा यहाँ पर, 11 आ जाएगा बैलेंस, राइट। और ये फिर क्या आ जाएगा, 0.4, तो समथिंग 7 times आएगा, तो 112 हो जाएगा। सो देयरफॉर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमें क्या मिल गया, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन की वैल्यू मिल गई। तो अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहाँ पर 1.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। तो बेसिकली हमें करना क्या होता है कि पॉइंट के बाद एटलीस्ट 2 डिजिट तक आपको सॉल्व करना होता है। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। सो देयरफॉर EV02 इज इक्वल टू HC/λ2 माइनस फाइ नॉट, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे रीअरेंज कर लेते हैं। तो इस वाले टर्म को मैं इधर लिख लेता हूँ, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, HC/λ2 माइनस फाइ नॉट इज इक्वल टू EV02, ठीक है। सो देयरफॉर मुझे क्या करना पड़ेगा, HC/λ2 इज इक्वल टू EV02, और ये फाइ नॉट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस फाइ नॉट। हमें क्या निकालना, हमें तो सिर्फ लैम्डा 2 चाहिए, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, HC को नीचे भेज देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1/λ2 इज इक्वल टू EV02 प्लस फाइ नॉट अपॉन, और ये नीचे क्या आ जाएगा, HC आ जाएगा।
तो आपको वैल्यूज पहले पुटअप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पहले वैल्यू पुटअप करके बाद में इधर उधर रीअरेंज करोगे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, लैम्डा 2 को इधर रखो, बाकी सारे टर्म्स उधर, और उसके बाद उसकी वैल्यू पुटअप करो। तो अब देखो क्या है, 1 बाई लैम्डा 2, हमें सिर्फ लैम्डा 2 चाहिए, तो इसको हम रिवर्स कर देंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 इज इक्वल टू एच सी अपॉन क्या हो जाएगा, ये ई वी नॉट 2 प्लस फाई नॉट। अब फाइनली हम इनकी वैल्यू को पुटअप करके सॉल्व कर लेते हैं। तो एच सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन ई वी नॉट। तो ई की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और वी नॉट 2 की वैल्यू क्या गिवन है, 1.2 प्लस फाइव नॉट की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल ली है, विच इज़ 2.74 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो अब हम करेंगे क्या, 3 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा 19.89 इंटू, और इसको आप इससे माइनस करोगे तो 10 की पावर माइनस 26। अब आपको करना क्या है, 1.2 से यानी 12 से इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो 12 6 72, तो ये 2 आ जाएगा, बैलेंस 7, 12 1 12 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, राइट। और 2 के बाद डॉट लगा दो, इंटू 10 की पावर क्या है, माइनस 19, और प्लस क्या हो जाएगा, 2.74 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब अगर आप इसे प्लस करना चाहते हो तो पावर को कॉमन बाहर निकाल दो, तो 19.89 इंटू 10 की पावर माइनस 26, 10 की पावर माइनस 26 अपॉन, और ये क्या हो जाएगा, 1.92 प्लस 2.74 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। तो अब फाइनली हम क्या कर लेंगे, इसको मैं लिखता हूँ 19.89 अपॉन, इसको आप प्लस कर लो, तो 4 2 कितना 6, 9 7 16 6, बैलेंस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4.66। अब पावर ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा, और 26 से 19 माइनस करेंगे तो 10 की पावर माइनस 7 बचेगा। सो देयरफॉर अब इसके आंसर को मैं फाइनली यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 इज इक्वल टू, अब आपको यहाँ पर करना क्या होगा, लॉग एंटी लॉग का स्टेप अप्लाई करना होगा। तो मेक श्योर कि लॉग एंटी लॉग, रेसिप्रोकल, स्क्वायर रूट, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको इनकी वीडियोस मिल जाएगी, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लेना, तो वहाँ पर इसका मैंने लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से देख के आप सीख लेना कि इसे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो इसको जब आप लॉग एंटी लॉग की हेल्प से सॉल्व करोगे तो आपको देखो कितना आंसर मिलेगा, 4.268, राइट। और पावर कितना है, 10 की पावर माइनस 7, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। तो देखो अगर आपने यहीं तक सॉल्व किया तो वेल एंड गुड, क्योंकि हमें पता है कि वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ का यूनिट तो मीटर होता है, तो आप मीटर तक निकाल लोगे। लेकिन अगर आप बुक के आंसर से मैच करना चाहते हो तो उन्होंने एमस्ट्रॉम में दिया है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4268। मैंने क्या किया, 3 डिजिट शिफ्ट किया, तो पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा। तो लैम्डा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4268, और 10 की पावर माइनस 10 को क्या बोलते हैं, एमस्ट्रॉम, तो इसे हम क्या लिख लेंगे, एमस्ट्रॉम। तो अगर आप बुक में देखोगे तो इसकी वैल्यू दिया है 4270 है शायद से एमस्ट्रॉम। तो देखो इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आप हमेशा याद रखना कि जब भी जो कैलकुलेशन वाले पार्ट होते हैं, जो बड़े डिफिकल्ट या लेंदी कैलकुलेशन होते हैं, उसमें आपको पॉइंट में डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू है बहुत छोटी वैल्यू है, जिससे पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस होने से कोई आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेक श्योर कि ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है। रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 4500 एमस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट हैविंग वर्क फंक्शन ऑफ 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले गिवन कंडीशन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें यहाँ पर वेवलेंथ दिया है, कितना दिया है वेवलेंथ, 4500 एमस्ट्रॉम, और हमें उसका फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन दिया है मेटल प्लेट का, विच इज़ गिवन एज 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और आगे क्या बोला है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड मूव अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर बोला क्या है कि मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हुआ है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, यानी कुछ इस तरीके से, मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। तो ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से एमिट आउट होके मूव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमें ये बोला है कि ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है मान लो बी, तो इसको आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि सपोज करो कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है जो इस तरीके से मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से नीचे की तरफ एक्ट हो रही है, नीचे की तरफ एक्ट हो रही है या ऊपर की तरफ एक्ट हो रही है, बट इट इज़ परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।
अब हमें यहाँ पर बताना क्या है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, कि वो मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो अभी हम इसके लिए करेंगे क्या, यहाँ पर हमें इसका रेडियस दिया है, जो सर्कुलर ऑर्बिट है तो इसका रेडियस हमें गिवन है, और इसकी रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो देखो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें पता है कि जब हम किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें लगने वाला जो फोर्स होता है वो कितना होता है, हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, राइट। एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला क्या डिफाइन करता है, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, वी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन या चार्ज, क्यू का मतलब क्या है, चार्ज जो भी बेसिकली यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, राइट। और थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मोशन ऑफ द चार्ज। अब देखो यहाँ पर तो बोला है कि थीटा जो है आपका वो कितना है, परपेंडिकुलर है 90, तो एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू वी बी। अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी। अच्छा ये फोर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, तो जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स। तो ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो ये एफ डिफाइन कर रहा है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर विच इज इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है। तो ये एफ का मतलब यहाँ पर क्या है, सेंट्रिपिटल फोर्स, क्योंकि कोई भी चीज़ जब सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है तो जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए वो कितना होना चाहिए, एम वी स्क्वायर बाई आर, जो कि कौन प्रोवाइड करेगा, क्यू वी बी। अब यहाँ से होगा क्या, देखो v से एक v तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, राइट। और इसको हम थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं क्योंकि हमें तो b फाइंड आउट करना है, तो कितना हो जाएगा, आर क्यू बी इज इक्वल टू एम इन टू वी। सो देयरफॉर b क्या हो जाएगा, b विल बी एम वी अपॉन क्यू आर, ठीक है ना। अब हमें फॉर्मूला तो मिल गया, लेकिन हमारे पास क्या क्या गिवन वैल्यूज़ है, देखो हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता होती है, 9.1 × 10⁻³¹ kg, ठीक है। और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हमारे पास, जबकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई भी दिया है, क्योंकि क्यू का मतलब यहाँ पर क्या है, ई, और ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और आर तो हमें दिया है 20 सेंटीमीटर, जिसे लिख सकते हैं 20 × 10⁻²m। तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता करना है तो मुझे ये सारी वैल्यू पता होनी चाहिए, जिसमें से मुझे एम पता है, क्यू पता है, आर पता है, बट वेलोसिटी पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी वी निकाल लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो अब देखो वेलोसिटी वी कैसे निकालेंगे, सिंस हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इमिट आउट हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आइंस्टाइन इक्वेशन यूज़ करेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, राइट। अब देखो यहाँ पर सिंस हमें लैम्डा नॉट की भी वैल्यू दिया, फाई नॉट की भी वैल्यू दिया है, तो और काइनेटिक एनर्जी मैक्स को हम क्या लिख लेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी, राइट। और ये एच को हम ऐसे ही रखेंगे, न्यू क्या हो जाएगा, सी बाई लैम्डा माइनस फाई नॉट। तो हम करेंगे क्या, अल्टीमेटली हमें वी स्क्वायर निकालना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं, बाद में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को नीचे ले जाके डिवाइड कर लेंगे। सो देयरफॉर देखो ये क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू हमें पता है, एच की वैल्यू क्या होती है, 6.63 × 10⁻³¹, सी की वैल्यू क्या होगी, 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा की जो वैल्यू है वो हमें कितनी गिवन है, 4500 एंगस्ट्रॉम, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 4500 × 10⁻¹, जिसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसे 45 × 10⁻¹ लिख सकते हैं, ठीक है, दो डिजिट शिफ्ट हो जाएंगे। नाउ माइनस फाई नॉट, अब फाई नॉट की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, फाई नॉट की वैल्यू दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फाई नॉट की वैल्यू को ऐसे ही रखता हूँ, पहले मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा ये, एम वी स्क्वायर बाई टू, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये क्या है, 6.3, और ये 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 19.89 × और ये 10⁻¹, देखो 8 है ना, और माइनस 8 है, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 10⁻¹ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, राइट। तो 10⁻⁙ बन जाएगा और 10⁻³¹, तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा इसकी वैल्यू, 10⁻⁸, राइट, और ये क्या हो जाएगा, 45। अब आप क्या करो, अब इसकी वैल्यू को पुट अप कर दो, तो फाइन आउट की वैल्यू क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹, डन। अब इसे आगे हम और सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो अब आपको करना क्या है कि 45 से इसे डिवाइड करना है, तो जब आप 45 से इसे डिवाइड करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 0.442, राइट, 10⁻¹⁹,
तो देखो, इस चैप्टर में ऑलरेडी मैंने बताया था कि बहुत सारा आपको कैलकुलेशन करना होगा बाय यूजिंग लॉग, एंटी लॉग, रेसिप्रोकल, स्क्वायर रूट वगैरह। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर स्टेप अप्लाई कर सकते हो लॉग एंटी लॉग का, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। नाउ माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 सिक्स 12, 1 2 1 2, यानी ये 3.2 हो जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस वैल्यू को इससे माइनस करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर को कॉमन बनाना पड़ेगा। तो मैं इसे लिखता हूँ 4.42 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब हम क्या कर सकते हैं, 10 की पावर 19 को कॉमन बाहर निकाल देते हैं और इसको इस वैल्यू के साथ माइनस कर देते हैं। सो देयरफॉर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू, सॉरी, एम वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा देखो, 4.42 माइनस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब आप इसे माइनस कर लोगे तो देखो कितना हो जाएगा, 2 और ये 2, और ये हो जाएगा 1.22 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये क्या हो गया, एम वी स्क्वायर बाई 2। सो देयर फॉर वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, 2 इंटू 1.22 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन एम नीचे आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, राइट। 10 की पावर माइनस कितना होता है, 31। अब आप क्या करो, इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, 2.44 इंटू 10 की पावर माइनस 31, जब ऊपर आएगा तो प्लस 31, प्लस 31 में से जब माइनस 19 को हम माइनस करेंगे तो देखो कितना होगा, अगर माइनस 19 को माइनस करेंगे तो 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा, राइट, प्लस 12 हो जाएगा, 10 की पावर 12 हो जाएगा, और अपॉन में क्या है, 9.1। तो ये वी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिली, 2.44, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 24.4 अपॉन 91 इंटू 10 की पावर 12। अब आपको करना क्या है, वापस से यहाँ पर लॉग एंटी लॉग का स्टेप अप्लाई करके इसे डिवाइड करना है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो वी स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी देखो, तो अराउंड 0.2637 इतनी वैल्यू आपको मिल जाएगी, राइट। तो देखो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, आप इसे कैलकुलेट कर लेना तो आपको ये जो वैल्यू मिलेगी लगभग इतनी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये हमें क्या मिल गया, वी स्क्वायर मिल गया, राइट। हमें तो क्या निकालना है, सिर्फ v चाहिए, तो v के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रूट निकालना होगा। सो देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, और रूट की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0.2637 इंटू 10 की पावर 12। तो मैं इसे क्या करता हूँ, ध्यान से देखो, क्योंकि 0 पॉइंट का तो रूट नहीं निकाल सकते, तो मैं इसे लिखता हूँ 26.37 इंटू 10 की पावर 10 हो जाएगा, राइट। तो v इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 26.37 इंटू 10 की पावर 5। हमें पता है जब रूट से बाहर निकलेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर 5 हो जाएगी। अब फाइनली हम इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि आपको देखना है रूट ऑफ 26 में 37 की क्या वैल्यू है। तो जब आप स्क्वायर रूट देखोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 5.135 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें यहाँ पर क्या मिल गया, वी हैव गॉट द स्पीड, वी की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इस वी की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप करके बी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट काफ़ी टफ है, राइट। सो देयरफॉर हम क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन में पुट अप करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू एम की वैल्यू क्या है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, राइट। और उसके बाद बी तो हमने निकाल लिया है, विच इज़ 5.135 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन में देखो क्या है, क्यू, क्यू का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो मैं इसे लिखता हूँ 9.1 इंटू 5.135 इंटू 10 की पावर, ये बचेगा आपका माइनस 26, राइट। इससे ये माइनस हो जाएगा, और नीचे क्या है, 10 की पावर माइनस 19, तो इसे मैं लिखता हूँ 1.6 इंटू 20, राइट, इंटू 10 की पावर माइनस 19, और माइनस तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 21 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो ये 91 इंटू 5.135 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 20 इंटू 10 की पावर माइनस 21, ऊपर जाएगा तो प्लस 21, तो ये बचेगा क्या, 10 की पावर माइनस 5। अब आपको करना क्या है कि आप इसे लिखोगे आप 91 इंटू 5.135 अपॉन, और इसे जीरो ऐसे ही रखो, 2 सिक्स 12, बैलेंस 1 2 1 3, तो कितना आ जाएगा, 320, राइट, इंटू 10 की पावर माइनस 5।
अब आपको करना क्या होगा, फाइनली यहाँ पर आपको अप्लाई करना है लॉग एंटी लॉग का स्टेप, और इसको आपको जब लॉग एंटी लॉग के हेल्प से आप सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। एंड द वैल्यू यू गेट फॉर बी इज इक्वल टू 1.46 इंटू 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन द चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है। गिवन द फॉलोइंग डेटा फॉर इंसिडेंट वेवलेंथ एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑब्टेन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड मटेरियल, और साथ ही साथ में हमें क्या फाइंड करने को बोला है, वॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, एंड वॉट इज द मोस्ट लाइकली मेटल यूज फॉर एमिटर। तो गिवन कंडीशन में हमें यहाँ पर एक टेबल दिया है और उस टेबल में हमें दो वैल्यूज गिवन है, ठीक है। और बेसिकली ये जो हमें वैल्यूज गिवन है दैट इज अबाउट द इंसिडेंट वेवलेंथ, इंसिडेंट वेवलेंथ मतलब लैम्डा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी वी नॉट की वैल्यू गिवन है। पहले वेवलेंथ कितना दिया है 2536, और ये वैल्यू किस में है, एमस्ट्रॉम में है, ठीक है। और दूसरा कितना है 3650, एंड उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल की 1.95 वैल्यू है, और दूसरी वैल्यू कितनी है 0.5। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। और हमसे पूछा क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड इज, वी हैव टू फाइंड द, सबसे पहले हमें निकालना है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 12, प्लैंक्स कांस्टेंट एच की वैल्यू निकालना है, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फाई नॉट निकालना है, और आगे क्या बोला है उसने, वी हैव टू फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू नॉट निकालना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब लैम्डा नॉट निकालना है, और साथ ही साथ में वहाँ पर लास्ट में क्या बोला है, विच इज़ द मोस्ट लाइकली मेटल यूज फॉर द एमिटर। और उसने हमसे पूछा है कि कौन सा ऐसा मटेरियल है या मेटल है जो जिसके इलेक्ट्रॉन काफ़ी आसानी से कम एनर्जी देने पर एमिट आउट हो जाते हैं। तो इसका आंसर तो काफ़ी सिंपल है क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, तो आपको याद रखना है कि सीजियम इज़ द मेटल जो कि बहुत कम अमाउंट की एनर्जी पे देने पर उसके इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हो जाते हैं, राइट। बुक में वो जो गिवन है कैल्शियम, वो तो शायद से गलत ही क्वेश्चन का आंसर है वो, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सीजियम होगा, राइट। सो देखो यहाँ पर सिंस हमें यहाँ पर लैम्डा की दो वैल्यूज़ गिवन है और वी नॉट की भी दो वैल्यू गिवन है, तो हमें यहाँ पर इक्वेशन बनाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो दो इक्वेशन क्या बनेंगे, देखो हम आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज़ करेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, राइट। अब हमें पता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लिख सकते हैं, और न्यू तो हमें यहाँ पर गिवन ही है, तो न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, सी बाई लैम्डा माइनस फाई नॉट। अब यहाँ पर देखो हमारे पास दो वैल्यूज़ है यानी कि दो इक्वेशन बना सकते हैं, इसे हम मान लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 और ये हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल 2, ये हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ 1 और ये हो जाएगा 2। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखते हूँ, ई वी नॉट 1 इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा 1 माइनस फाई नॉट। एक इक्वेशन हमारा ये बन गया, दूसरा इक्वेशन क्या होगा, ई वी नॉट 2 इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा 2 माइनस फाई नॉट। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गए। अब देखो अगर मैं चाहता हूँ कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालूं, तो मैं किसी भी इक्वेशन का यूज़ करके प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास ना फाई नॉट की वैल्यू तो गिवन नहीं है, यानी हमें प्लैंक्स कांस्टेंट भी नहीं पता और फाई नॉट भी नहीं पता है। तो अब हम क्या करना पड़ेगा, बेसिकली अगर हम कुछ ऐसा करें कि हमें एक वैल्यू मिल जाए, अगर मुझे प्लैंक्स कांस्टेंट मिल जाएगा तो उस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट अप करके हम फाई नॉट निकाल सकते हैं। तो मैं करता क्या हूँ कि इसको मैं लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो फर्स्ट इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, बेसिकली जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो फाई नॉट कैंसिल हो जाएगा और इनके वजह से हम h निकाल लेंगे, और वो जो h की वैल्यू आएगी उसको वापस से किसी भी इक्वेशन में पुट अप करके हम फाई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, तो ये जब आप करोगे तो देखो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इट विल बी e v नॉट 1 माइनस e v नॉट 2 इज इक्वल टू, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा 1 माइनस एच सी बाई लैम्डा 2, ठीक है। और फाई नॉट तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर e कॉमन है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वी नॉट 1 माइनस वी नॉट 2, क्योंकि हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को वी नॉट से डिफाइन करते हैं, और यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, एच सी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई लैम्डा 1 माइनस 1 बाई लैम्डा 2। तो अब इस फॉर्मूले के हेल्प से हम h को कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये सारी वैल्यूज हमें पता है। तो मैं इसे आगे और सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो
यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, एस सी कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो रीअरेंज करने से पहले मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, ई वी नॉट वन माइनस वी नॉट टू इज इक्वल टू एच सी। इसे आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो बेसिकली ये टू है, तो जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन अपॉन लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू, राइट। अब इसके बाद देखो हम इसे क्या कर सकते हैं, अब फाइनली हम एच सी निकाल लेते हैं, तो ये वाले टर्म को पूरा इधर रख दो ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हो जाएगा लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन और लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू, राइट। और ये वाले टर्म को उधर लिख दो, ई वी नॉट वन माइनस वी नॉट टू, राइट। अब देखो फाइनली हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर हमें एच चाहिए है, तो ये हो जाएगा ई वी नॉट वन माइनस वी नॉट टू अपॉन, और ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा तो सी, ये हो जाएगा लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन अपॉन लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू। देखो जब तक आप वैल्यू पहले से पुटअप मत करो, पहले आप फॉर्मूले को बना लो उसके बाद ही वैल्यू पुटअप करो, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन ऐसे होते हैं जो काफ़ी लेंदी होते हैं, जिसकी वजह से अगर आपने पहले से उनकी वैल्यू को पुटअप कर दी तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, एच इज इक्वल टू, देखो ये फोर्थ टर्म है तो ये ऊपर हो जाएगा, तो ई वी नॉट वन माइनस वी नॉट टू इंटू लैम्डा वन लैम्डा टू अपॉन, ये हो जाएगा सी लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन, ठीक है। अब इसके बाद देखो आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है, आपको इनकी वैल्यू को पुटअप करके इसे सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस होगा, तो आप अगर वैल्यू को पुटअप करके सॉल्व करोगे, क्योंकि मैं अगर अभी सॉल्व करने जाऊँगा तो ये काफ़ी टाइम ले लेगा। तो अब आपको करना क्या है कि चार्ज और इलेक्ट्रॉन ई की वैल्यू पुटअप करना है, वी नॉट की वैल्यू गिवन है, वी नॉट टू की वैल्यू गिवन है, लैम्डा वन लैम्डा टू एमस्ट्रॉम में दिया है, तो मेक श्योर कि जब आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2536 इंटू 10^-10, और लैम्डा टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3650 इंटू 10^-10। तो जब आप इनकी वैल्यू को पुटअप करके, और उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट सी तो आपको पता है कितनी होती है, 3×10^8, जब आप इनकी वैल्यू को पुटअप करके सॉल्व करोगे तो आपको जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 6.425 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड। ये आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी बाय पुटिंग दिस वैल्यूज ऑन दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमने प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। अब ध्यान से देखो, अगर हमें वर्क फंक्शन निकालना है तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में एच की वैल्यू को पुटअप करके वर्क फंक्शन निकाल लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसे मैं क्या लिखता हूँ, ई वी नॉट वन इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा वन माइनस फाई नॉट। तो अब हम इस वैल्यू को इधर लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा वन माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट। हमें तो सिर्फ फाई नॉट चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट, और ये वाला टर्म उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा वन। तो अगर मैं यहाँ से माइनस साइन हटाऊंगा तो माइनस साइन इधर आ जाएगा, और इधर आने का मतलब है कि जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस, तो क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा वन माइनस ई वी नॉट, और इसे वन कंसिडर करो, ठीक है। अब देखो फाइनली आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि एच की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है, सी स्पीड ऑफ लाइट पता है, लैम्डा वन भी वैल्यू पता है, और ई का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और स्टॉपिंग पोटेंशियल वन की वैल्यू पता है। तो ये सारी वैल्यूज़ को आपको रखना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के बाद फाइनली आपको जो फाइन आउट की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 4.483 इंटू 10^-19 जूल। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ जूल। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहते हो तो आप इस वैल्यू को चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 इंटू 10^-19 से डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 2.802 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको इतना आंसर मिल जाएगा। ये अगर आप जब कैलकुलेशन करने जाओगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। बट हमें यहाँ पर दिया है बुक में, तो इसलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि मैंने फॉर्मूलास आपको बता दिया, जस्ट वैल्यू को पुटअप करके फिर इसके आंसर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें मिल गई, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई और फाइन आउट की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो अब ये काफ़ी आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर देखो हमें पता है म्यू नॉट के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है फाइन आउट क्या होता है, एच न्यू नॉट। तो न्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी
फाई नॉट अपॉन एच। बस अब आपको करना क्या है, फाई नॉट की वैल्यू हमने निकाल ली है, लेकिन ये आप कौन सी वैल्यू रखोगे, जूल वाली वैल्यू, ठीक है। यानी कुछ ऐसा रखोगे, फाई नॉट की वैल्यू क्या है, 4.483 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और एच की वैल्यू क्या है, 6.425 इंटू 10 की पावर माइनस 34। वापस से आपको बाई यूजिंग लॉग एंटी लॉग इसे सॉल्व कर लेना है, तो आपको जो इसका फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, सिक्स पॉइंट नाइन सेवन नाइन इंटू 10 की पावर 14 हर्ज, ठीक है। तो इसे आप सब कैलकुलेट कर लेना, मैंने ऐसे कैलकुलेट करके जो बुक में आंसर गिवन है वो आंसर लिख दिया है, आप जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा ये लैम्डा नॉट निकालना है। अब इसके लिए तो यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिंस हमें पता है, सिंस हमें पता है कि फाई नॉट क्या होता है, एच न्यू नॉट, और न्यू नॉट का मतलब क्या होता है, सी बाई लैम्डा नॉट, राइट। तो आप इसे रीअरेंज कर लोगे तो फाइनली आपको लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच सी बाई फाई नॉट। अगेन आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है, वापस इनकी वैल्यू को पुट अप करके सॉल्व करना है, सो द फाइनली यू विल गेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इक्वल टू 4.298 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। अगर आप इसे एमस्ट्रॉम में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो 4298 इंटू 10 की पावर माइनस 10, और इसी को हम क्या बोलते हैं, 10 की पावर माइनस 10 को हम क्या बोलते हैं, एमस्ट्रॉम। तो ये आंसर किस में आ गया, इन टर्म्स ऑफ एमस्ट्रॉम। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन को जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो कई सारी वैल्यूज़ हैं, तो आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका लेंदी है। तो बाकी जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, राइट।